सिने स्टार और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने स्वतंत्रता प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ यूट्यूबर मनीष कश्यप भी साथ में थे। गुंजन सिंह ने कहा कि नाबाद का विकास, जिससे आज तक नाबाद वंचित रहा, जिसका कारण पैराशूट नेताओं का हमेशा नेतृत्व रहा है, उससे इस पर नाबाद की मांग भी थी कि नाबाद का बेटा, नाबाद का नेता, इसको देखते हुए भाजपा में प्रयास करे, जिसका प्रयास उन्होंने किया। मौका नहीं मिला, फिर भी जनता का आदेश हुआ, मैंने आदेश का पालन भी किया, नामांकन दाखिल किया। मनीष कश्यप ने कहा कि गरीब को टिकट नहीं मिलता है। क्या उद्देश्य है आपका? विकास और नवादा का बेटा का जो मुद्दा था, सबका आदेश हुआ कि बेटा मैदान में जाओ, मैदान में आए हैं, सबका आशीर्वाद मिला। किस पार्टी से सर करेंगे ये बताइए? सर आप भोजपुरी के सुपरस्टार माने, आपके साथ एक यूट्यूबर मनीष कश्यप भी है, आखिर उनको भी लेके आए, क्या संदेश देना चाहिए? ये मेरे भाई है, यूट्यूबर के अति सनिया है, दोनों का भाई का रिश्ता जी, और हम लोग आए हैं एक नए ऊर्जा के साथ। कैसा चुनौती रहेगा? दो दल है यहाँ, दल उल से हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको जनता हीरो है यहाँ का, जनता मेरा भगवान है, और सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि आदेश दिया है सर कि बेटा जाओ, गुंजन सिंह वादा किए थे हम कि हम निभाएंगे, निभाने हम। किससे चुनौती मिलेगा इस बार आपको? चुनौती के लिए आपका मुद्दा क्या? मुद्दा क्या? मुद्दा विकास का मुद्दा है हमारे यहाँ। न केंद्रीय विद्यालय है, न मेडिकल कॉलेज है, न ही हॉस्पिटल अच्छा है, और सबसे बड़ा मुद्दा घर का बेटा, घर का नेता। भाजपा से आपको कितना मिलेगा, चूंकि आप भाजपा के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, कितना चुनौती मिलेगा उनसे? बहुत कोशिश किए हैं जी, सबका। आप देखिए क्या होता है, समय का इंतजार करिए। मनीष जी, आप मनीष जी, आप बताएं, आपका आपका आप भी भाजपा के लिए कर रहे थे, इस बार आपका भी टिकट कटा है? देखिए मेरा टिकट नहीं कटा है, मैं वहाँ पे नहीं था। समस्या क्या है कि बिहार की सच्चाई आप सभी लोग जानते हैं, जितने मीडिया बंधु है वो सभी लोग जानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2004 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2009 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2014 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2019 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, और 2024 में कितना गरीब का बेटा को टिकट मिला है। क्या गरीब का बेटा लोकसभा में बैठ के जो है गरीब का स्थिति के बारे में नहीं बात कर सकता है? क्या नेता खाली नेताओं के बेटा, बिजनेसमैन, बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े माफिया ही बनेंगे? क्या बिहार का गरीब का बेटा कोई नेता नहीं बनेगा? क्या बिहार का कोई पत्रकार नेता नहीं बनेगा? आप लोग पत्रकार है, ईमानदारी से बोलिए, आप लोगों से ज्यादा जानकारी किसी के पास है क्या? कहाँ ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार होता है, दाखिल खारिज के लिए कितना भ्रष्टाचार होता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, रोड जो है रजौली नवादा बख्तियारपुर रोड जो बन रहा है, मैं आज कह रहा हूँ कि वो रोड गिरेगा। सर नामांकन को लेके बताइए, आज आप लोग आए हैं वो तो कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सके, और आप लोगों के सहारे जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे सर आप? जहाँ भी बिहार में कोई काबिल युवा या काबिल व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा और वो अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा, वहाँ वहाँ मनीष कश्यप पहुँचेगा और वहाँ वहाँ उन लोगों का समर्थन मैं मनीष कश्यप करूँगा। गुंजन सिंह के लिए क्या कहेंगे? गुंजन सिंह के लिए मैं यही कहूँगा कि ये एक शानदार व्यक्ति है, ये निभाना जानते हैं। मैं जब जेल में था तो पहले ऐसे व्यक्ति जो जेल के अंदर जाके मेरे से मिले, जेल के गेट पे जो झाल लगा रहता है, खिड़की लगा रहता है, अंदर से आप बात करते हैं और बाहर से ये, तो जब ये मिले तो मैं रो रहा था और ये भी रो रहे थे। मैंने बोला कि आपके सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा, आप मेरे सुख दुख में खड़े हैं, तो आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। ठीक, थैंक यू।